इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट में कैसे पास हो, कैसे नंबर लाए, किस टाइप से पास हो। तो देखो, पहले तो आप मेरे चैनल को अगर ये वीडियो से लगे तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस मेरे चैनल पर 8, 9, 10 की मैथमेटिक्स है, 11, 12 पर भी काम चल रहा है। राजस्थान बोर्ड हो, CBSE हो, NCERT हो, कोई भी बोर्ड हो, उसके क्वेश्चन मेरे पास मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स 8 to 12 मैथमेटिक्स अभी इस पर काम चल रहा है, ये वाले में बना रहा हूँ, ये वाला फुल कोर्स अवेलेबल है। और 11, 12 अकाउंटेंसी भी है, अकाउंट का भी मैं कराता हूँ, अकाउंट का भी मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, दोनों मीडियम है मेरे पास। आपको नहीं मिल रहा है कोई कोर्स तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल वीडियो के लिंक के लिए कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो वो मैं ढूंढ कर दे सकता हूँ, 9636368864 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ये वाला कोई कोर्स आपको नहीं मिल रहा है तो ये वाला कोर्स इस नंबर से ले सकते हैं आप आराम से। और ये मेरे चैनल का नाम है विश्वकर्मा क्लासेस, अगर आप .com के पीछे स्लैश लगा कर ऐसा लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा और चैनल के होम पेज पर ही कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है। अब है टॉपिक है सप्लीमेंट्री में कैसे पास हो। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि मेरे सेशनल मार्क्स कितने भेज दिए, मतलब कि मेरे 20 में से कितने नंबर भेज दिए गए हैं, क्योंकि वो नंबर भी आपके ऐड होंगे। अगर आपको 20 में से 20 भेज दिए गए हैं तो आपको 80 में से केवल 13 नंबर लेके आने हैं 33 नंबर लाने के लिए, 33 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। अगर आपके 20 भेजे गए हैं तो आपको 13 लाने, ज्यादा भी लेके आओगे तो भी 13 ही गिने जाएंगे। अगर आप 40 नंबर भी लेके आते हो तो भी यहाँ 13 ही माने जाएंगे, आप कितने लेके आओगे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये जरूर है, अगर आप 60 या 60 से ऊपर लेके आते हो तो आपके नंबर ऐड हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ पर 55 नंबर आए, 50 नंबर या 55 नंबर भी आए तो भी आपका यही रिजल्ट आएगा। ज्यादा नंबर देते नहीं है सप्लीमेंट्री में, जो कम पढ़ रहे हैं वही देते हैं। या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी मेहनत करो, 2 महीने आपके पास है, पूरा बुक पढ़ो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा मेहनत करो ताकि आपके नंबर ज्यादा आ जाए। अगर आपके नंबर 60 से ऊपर आए तो यहाँ आपके ऐड हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके 85। कम से कम आपको 60 के आसपास नंबर लाने या 60 से ऊपर निकल लेके आने तो ही सारे नंबर ऐड होंगे। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 25, आ भी रहे हैं 25 तो भी आपको नहीं देंगे, आपको बस रिजल्ट में आपके यही आएगा, रिजल्ट में आ जाएगा आपके ये वाला 13 कम है तो ये हो जाएगा आपके 33। अगर आपके नंबर है 17 तो आपको नंबर लाने हैं कितने, 16 नंबर और लेके आने। अगर आपके यहाँ से भेजे गए हैं 15 तो आपको लाने हैं यहाँ पर 18। टोटल जो नंबर है वो आपके हमेशा यही रहेगा 33। तो या तो करो बहुत ज्यादा मेहनत, या कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं बताऊंगा अभी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 25 मार्क्स तक के बताता हूँ ताकि उनमें से कोई आगे पीछे हो भी जाए तो भी आप कम से कम 20 नंबर तो लेके आओ। अगर किसी के नंबर मान लो यहाँ 12 भेजे गए हैं या और कम भेजे गए, यहाँ मान लो 13 नंबर ही भेजे गए तो आपको 20 लाख लाने, तो कम से कम आपको 20 नंबर की तैयारी तो करो, फिक्स कर लो कि मेरे ये वाले 20 नंबर आ चुके हैं, तो उन 20 नंबर की तैयारी तो कम से कम आपको करनी है। 13 नंबर तो मिनिमम भेजे गए हैं। और जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, जो प्राइवेट जाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट नहीं, फॉरम जिसने प्राइवेट का भरा हुआ तो उसको लाने हैं आपको कम से कम 80 का 33%, मतलब कम से कम 26.4 या कह सकते हो 27 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 80। बाकी के नंबर वो दे देंगे 20 में से। अगर आपके 27 नंबर आए 80 में से, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आपको ऑटोमेटिक 6 नंबर आपको 20 में से वो दे देंगे आगे, और आपके नंबर हो जाएंगे 33 आउट ऑफ 100 हो जाएंगे। तो लास्ट ये है, अगर किसी के, अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है जिसने रेगुलर नहीं किया है, रेगुलर नहीं जा रहा है स्कूल में और घर पर रहकर एग्जाम दे रहा है,
तो उसको कम से कम 27 मार्क्स को लाने ही, 33% नंबर लेके आने 80 का, और जिसके नंबर पहले से ही भेजे हुए हैं उनको थोड़ा कम मेहनत करनी है। तो कम से कम आपको 25-26 नंबर तक आपको सोचना है कि मेरे 30 नंबर आ जाएंगे, और फिर उसमें से वहां कट जाएंगे 10 नंबर, तो भी आपको 20 नंबर पर रहना, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे 5-10 नंबर ज्यादा क्यों पड़ेगा। और एक्स्ट्रा उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार क्लियर करो। अब वो कौन कौन से हैं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कम से कम आपको चाहे 20 चाहिए, 15 चाहिए, 13 नंबर चाहिए, लेकिन फिर भी आप कम से कम 30 नंबर के आसपास, 25 से 30 तक का टारगेट लेके चलोगे, मुझे इतने तो बना नहीं, ताकि उसमें से भी कुछ गलतियां हो जाए, कुछ नंबर कट भी जाए, तो भी मैं 20 तक या 25 तक रहूं। टारगेट रखो कम से कम 30-35 नंबर, 30 नंबर लास्ट यहां तक रखो, ताकि आप आराम से पास हो सको, क्योंकि यहां से भी ज्यादा मेहनत करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ताकि आपके 60 से अधिक नंबर आ जाए और आपके सारे नंबर ऐड हो जाए और परसेंटेज भी आपके एकदम से बढ़ जाएंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे आपके। अब कौन सा है, पहला है आपके नंबर वन, वो है आपके ग्राफ। एक क्वेश्चन आएगा फिक्स 6 मार्क का आएगा आपके ग्राफ, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, उसका मैं लिंक दे दूंगा यहाँ ऊपर एक, या फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ ऊपर यहाँ एक लिंक दे दूंगा, उसमें से आप, उससे आप क्लिक करके ये वाला चैप्टर सीख सकते हो। ग्राफ, ग्राफ दो टाइप का है, चांस तो है कि जो 9th में था ग्राफ वही वाला ग्राफ आने वाला है। तो ग्राफ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस टाइप का भी, संख्या भारी हो चाहे संख्या इजी हो, कैसा भी आ जाए, आपको क्या करना है उस ग्राफ को सीखना है, कंप्लीटली ग्राफ को देखना है कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे उसमें ग्राफ का ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि मेन ग्राफ का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। अगर ये आपको आता है अच्छी तरह से कर लिया तो 6 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, और नहीं तो मेरा 4th चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ सकते हो, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप 4th चैप्टर जो आपके नंबर चैप्टर नंबर 4 है ये कर सकते हो। ग्राफ का जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ये आपको तैयार करना है, ग्राफ आना चाहिए। दूसरा जो आपके क्वेश्चन आएगा, ग्राफ आना चाहिए आपको, कंप्लीट सीखना है। दूसरा जो है आपके, वो है आपके मीन मोड मीडियन, मीन मोड और मीडियन मतलब समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक। समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, इन तीन में से कोई दो पूछ जाते हैं। अभी सप्लीमेंट्री है थोड़ा इजी पूछेंगे, मतलब ये बहुलक का थोड़ा ध्यान देना है, बहुलक आ सकता है तो आपके बहुलक को आपको देखना है, यहां आ जाएगा। तो अगर आपको बहुलक आता है तो ये तैयार करना है, और इन दोनों में से कोई एक ही तैयार करना है, हो सके अच्छी मेहनत करो, एक सप्ताह ये वाला टॉपिक के लिए आप 7 दिन दो, एक दिन के 4 क्वेश्चन मिलाओ, 7 दिन तक 28-30 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करो। कैसा भी ग्राफ है, चाहे वो ग्राफ 6 अंकित वाला है, चाहे वो ग्राफ ऐसा वाला है ऐसे मिलने वाला, या वो ग्राफ ऐसा है लाइन खींचने उसके बाद ऐसे 6 अंकित होता है वो भी है, तो आप कम से कम 7 दिन के लिए एक टॉपिक के पीछे पड़े रहो, इसी टॉपिक को मिलाओ, ग्राफ अच्छी तरह सीख लो, क्योंकि आगे भी काम आएंगे आपके कंपटीशन एग्जाम में। ग्राफ ये है, ये तो आता है काम में आपके आगे। फिर है मीन मोड मीडियन, इसको आपको मिलाना है, इसको आपको मिलाना है 7 दिन, अच्छी मेहनत करनी है, 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए, और 1 दिन तीनों के लिए, और ये वाला भी साथ में मिलाना है। ये वाला मिलाने के बाद आपको रेगुलरली रोज का, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन, रेगुलरली रोज का एक बार मिलाओ, कम से कम आप 2 घंटे या 3 घंटे अगर आप दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। कम से कम 2 घंटे 1 घंटे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, देखने से कुछ नहीं होता, किताब ऐसे लेकर पढ़ोगे नंबर नहीं आएगा, अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ से बनाने पड़ेंगे। ग्राफ लेके आओ, एक ग्राफ बुक लेके आओ, और उसमें आप खुद प्रैक्टिकल जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो वैसे ही आपको ग्राफ वहां सीखना है, पैमाना वगैरह, स्केल वगैरह, लाइन खींचनी कैसे करना है, कंप्लीट आपको आना चाहिए, स्केल वगैरह भी आनी चाहिए, कंप्लीट चीज आपको लिखनी आनी चाहिए, तो अच्छी प्रैक्टिस करो। ग्राफ की है, फिर मीन मोड मीडियन है, ये आपके 6 मार्क का आता है, 6 नंबर का ये, 6 नंबर का ये, अब 12 नंबर यही हो गए, ये 2 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं इजीली पास हो गए, 1 नंबर तो कहीं से भी आ जाएगा।
ये दो आपके 12 नंबर के हैं और इनके थोड़ा टाइम दो, 21 क्वेश्चन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, खूब सारे चैप्टर है इसमें, 17.1 से लगा 17.10 तक है, तो सारे नहीं मिलाने हैं, केवल आपको ग्रुप वाले मिलाने, जो भी ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा है चाहे उसमें समांतर माध्यम पूछा गया या नहीं, केवल ये पूछा गया ग्रुप का क्वेश्चन, फिर भी आप उसमें ये दोनों भी ज्ञात करो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो तीनों की, एक एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार 30 बार मिलो, कहीं भी नहीं अटकना चाहिए कि मुझे अब मोड आ रहा है, अब मीडियन करना है, अब ये समांतर माध्यम करना है, तो आपको कंप्लीटली आने चाहिए। इसके भी 3 मेथड है, इसके भी आपके 1, 2 और 3 मेथड है, तो तीनों मेथड आपको आने चाहिए, जैसे एग्जाम ऐसा पूछते नहीं है, फिर पूछ ले, ये भी ध्यान रखना तीनों मेथड का, और ये अलग अलग, ये आप अगर कर लो तो 6 और 6 12 नंबर हो जाएंगे, और ये वाला ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन कर दिया फिर अगले 7 दिन नहीं करना है, 7 दिन आपको इसकी मेहनत भी करनी है और वापस इसमें से ग्राफ के दो दो क्वेश्चन आपको मिला ले, अच्छी प्रैक्टिस करनी है फुल मिलाने की, 2 महीने आपके पास है, आपको 11 की बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सितंबर में आपका वापस से एडमिशन होगा तब तक आप अच्छी तरह से मिलेगी, वैसे भी कोई एक टेस्ट जाएगा, एक टेस्ट आप नहीं दे पाओगे 11th का, वैसे भी 11th इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना 10th है और 12th है, अब एक्स्ट्रा मेहनत करो और 60 अधिक लेके आ जाओ, उसके लिए मैं बताऊंगा बाद में, वो उसके लिए सीरीज बनाई हुई 130 वो वाला देख सकते हो, और ये वाला मैं बता रहा हूँ केवल पासिंग मार्क्स 30 तक या 25 तक कैसे पहुंचना है वही इसमें बताऊंगा। ये दो क्वेश्चन है, अगर आप हर एक क्वेश्चन को एक बार मिलो और अभी से स्टार्ट करो, 2 महीने आपके पास है, 2 महीने में अच्छी मेहनत करो। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए प्राइड था, इसका वीडियो भी मैं यहाँ लिंक दे दूंगा, यहां से आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में या ऊपर एक पॉइंट दे दूंगा, वहां से आप उसका चैप्टर पढ़ सकते हो, प्राइड था सबसे इजी चैप्टर, बिल्कुल आपको भिन्नों में संख्याओं का उत्तर लिखना है, बिल्कुल सूत्र लगाया और संख्याओं कैसे जमाते हैं वो आपको लिखना है, छोटा सा पार्ट है, मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन भी नहीं है, वो भी छोटे छोटे हैं, मुश्किल से 2-2 लाइन 3-3 लाइन के आंसर है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में आंसर आते हैं उसके, तो ये आपको आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, ये 4 नंबर का है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे, ये 4 नंबर की है, आराम से इजीली आप 4 नंबर इसमें से ला सकते हो, और ज्यादातर हार्ड चैप्टर नहीं बिल्कुल इजी चैप्टर है, 4 नंबर है बिल्कुल, एक आया 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन और एक आएगा बड़ा आपके 3 नंबर का, तो 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी का आना चाहिए। नंबर 4 है आपके रोड सेफ्टी का, लास्ट चैप्टर है रोड सेफ्टी का, इसमें भी आपके 4 नंबर इजीली आ सकते हैं, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन है, उसके से 4 क्वेश्चन है जो फिक्स है, उन्हीं में से कोई आता है, और उसका भी मैं लिंक यहां दूंगा, वहां से आप आराम से इस चैप्टर को सीख जाएंगे एक ही वीडियो से, आपको केवल आधे घंटे तक ये वीडियो देखना है और फिर उसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है मिलाने, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मिलाओगे आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इतना हार्ड नहीं। फिर है आपके ये सर ये बनाना आपके मतलब 14.2 है, अंतर्व्रत या परिव्रत परिगत व्रत इन या सर्कम सर्कल की रचना करना, कंस्ट्रक्शन करना, एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का, ज्यादा नहीं है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र बनाने का भी मैं पॉइंट दे दूंगा, वहां से आप डायग्राम बनाना सीख सकते हो, तो अगर आप चित्र बनाना है उसमें रचना कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है, बार बार मिला लेना, 14.1 भी ज्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से जो बड़े क्वेश्चन है जो ज्यादा हार्ड है ज्यादा लंबे क्वेश्चन है उनको आपको नहीं पढ़ना, जो इजीली आप कर सकते हो एक तो ये वाला, और 14.1 में भी पीछे वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने, लास्ट वाले जो इजी लगे आपको, स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन है छोटे छोटे है, स्टार्टिंग 8 पढ़ो, ये जो 14.1 में जो स्टार्ट हो रहा है मतलब 5 से 8 पढ़ो, 4 क्वेश्चन बस, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने, 9-10 जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपको नहीं लेना है, छोटे छोटे क्वेश्चन लेना है वो आपको तैयार करना है, तो ये या तो 14.1 में ये कर लो या 14.2 का ये वाला चित्र बनाना सीख लो,
इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, बस प्रकार लेना है और बनाना है। ऐसे नहीं है कि आपने ऐसे बुक में देख लिया ऐसे लाइन खींची है, वो काम नहीं आएगा। आपको खुद को हाथ से प्रैक्टिस करके वो आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी दो आप, इसके लिए कम से कम आप 4 दिन दे दो, रेगुलर कहीं मिलो, क्वेश्चन मिलो बार बार, आता है या नहीं आता है फिर भी मिलो बार बार। मैंने बताया वो क्वेश्चन भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने मिलो, ज्यादा नहीं है 8-10 क्वेश्चन है, और उसमें से भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, 2-2 लाइन के, 1-1 लाइन का या 1 शब्द का ही है कुछ एंसर, जैसे प्राइट का योग कितना होता है 1, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी है। इसमें भी 4-4 दिन दो आप, इसमें भी आप 4 दिन दे सकते हो आराम से। डायग्राम, हर एक डायग्राम प्रैक्टिस करो फुल डायग्राम बनाने की, क्योंकि डायग्राम बनाने में तो आपको मेहनत करनी है नहीं। तो मैंने 12 नंबर के वहां बताए थे और 11 नंबर की यहाँ बता दी, टोटल हो गए आपके 23 नंबर के। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो फिक्स है जो आने वाले एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। ये मैंने आपको 23 नंबर को मैंने बता दिए, 12 और ये 11, 23 नंबर हो गए। मैं आपको टोटल टारगेट देता हूँ 30 का, उसमें से आपके अगर कोई क्वेश्चन कम से कम 20-25 नंबर तक तो आ ही जाएंगे। फिर है आपके, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, रटना है उस क्वेश्चन को, सिद्ध करो कि √2 या फिर √2 का आ सकता है, √3 का भी आ सकता है, लेकिन सबका उत्तर एक ही है। सिद्ध करो कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप ये वाला सीख सकते हो। सिंपल ही कुछ इसमें रटना है, कोई आपको जो मेथड दे रखा है उस मेथड को आपको रटना है बस, और कुछ आपको करने की जरूरत इसमें नहीं है। ये आपका आता है 2 नंबर का, आता है तो ठीक है, नहीं तो पहले वाला क्वेश्चन भी खूब हुआ आपके, ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आने के चांस बहुत ज्यादा है। दूसरा है आपके भाग करो और जांच करो, भाग देना जांच करना, संख्याओं का आता है ऐसे भाग करना है, बड़ी बड़ी संख्या आती है उनका भाग देना और फिर आदमी ला क्या करनी उसकी जांच करनी, ये आता है आपके 3 नंबर का। ये क्वेश्चन ऐसे है जो आप देख लो एक बार, आप मतलब आने के चांस तो है ये पूरे। फिर है आपके 1.3 जो वैदिक मैथमेटिक्स है, जिनके भी वैदिक मैथमेटिक्स है वो वाला आप सीख सकते हो, या तो आएगा स्क्वायर रूट, थोड़ा हार्ड है स्क्वायर रूट लेकिन छोटे वाले याद कर ले, स्क्वायर रूट या फिर आपके क्यूब रूट, ये इजी है, इसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में। तो ये वाली चीजें आपको तैयार करनी, ये आपका आता है 2 नंबर का। ये क्वेश्चंस है, ये आपके जो फिक्स आने वाले क्वेश्चंस है उनका बता रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके स्टडी का 1 to 10, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है ए पार्ट है, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो छोटे छोटे बिल्कुल इजी बिल्कुल, जैसे आपके 7.2 में से आ गया क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-7.2 में से, या फिर चैप्टर 6 में से आ जाए छोटे छोटे क्वेश्चन जो साइंटा क्वेश्चन आए जो इजी हो जाए, जो मतलब एक लाइन में ही कर सको, वैसे क्वेश्चन अगर आप तैयार करो तो इजीली आपके 30 नंबर तो हो ही जाएंगे। अगर आप ये सब क्वेश्चन तैयार कर लो तो 30 हो जाएंगे, उसमें से आपको कुछ गलत भी हो जाए छोटे छोटे क्वेश्चन तो भी आप वो बड़े बड़े क्वेश्चन करके कम से कम 20 नंबर तो ला सकते, ऐड तो आपके इतने होंगे। अगर आपके 20 नंबर भेजे गए हैं तो आपके ऐड तो 13 ही होने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको 13 नंबर के अटेंड करने, ज्यादा करना है, ताकि अगर मान लो वो उनमें से कुछ गलत हो जाए तो आपके दूसरा राइट हो जाए। कम से कम 30-35 नंबर लाने की कोशिश करो ताकि उसमें से आप कुछ नंबर कट कर, क्योंकि आपकी सप्लीमेंट्री आएगी, इसका मतलब आपने कई गलतियां की होगी, आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा फिर भी फेल हो गए, इसका मतलब आपको ज्यादा तैयारी करनी, कम से कम 30 की तैयारी करनी है ताकि उसमें से कट कर आपके जो भी नंबर चाहिए, 13 चाहिए, 12 चाहिए, 11 चाहिए, जो भी नंबर चाहिए आपको वो मिल जाए। उसके लिए आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया है, 6 नंबर का भी बताया है, 3 नंबर का भी बताया है, 2 नंबर का बताया है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो एक एक लाइन के एक शब्द में पूछे जाते हैं, इसमें से अगर आप 1-2 क्वेश्चन कर लो जो आपको लगे इजी, 1-2 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा भाग कम हो जाएगा। वैसे और भी इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत
बड़ा है चैप्टर, सब बड़े बड़े चैप्टर है, काम के नहीं है, मतलब के नहीं, जो मैंने बताया इम्पोर्टेंट है, इनमें से फिक्स आने के चांस है वो ही मैंने बताया, तैयारी करो। और कोई भी आपको समस्या है या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो, तो मेरे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भेज दूंगा, या मेरे पास पुराने मॉडल पेपर है वो भेज दूंगा, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। कोई भी समस्या आए कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और किन्हीं बच्चों को ये फायदा हो सके कि आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर कम है, इसका आपको तैयारी रखनी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे